तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हेयर मी आउट। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अपनी बैन एंड जिम के एपिसोड 7 को। ये फाइनल एपिसोड है। आई होप दोस्तों आप सभी ने मेरे बाकी के 6 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को देख रखा है क्योंकि ये फाइनल एपिसोड है। अगर आपने बाकी के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो आपको ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जाइए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे आप बाकी के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं सो दैट आपको ये फाइनल एपिसोड अच्छे से समझ में आए। नाउ बिफोर आई गो अहेड एज यूजुअल आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट आपसे मेरी आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर अपने अपना एपिसोड जो 6 था वो ख़त्म किया था, जब हम देखते हैं लियो जो फोर्सफुली बैन के ऊपर मतलब चार्ज कर रहा था उसको, वो उसको प्यार करने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहां पर जिम आ जाता है। जिम ये सब देख के उसको कुछ वो गलत तरीके से ही ले लेता है, वो सोचता है कि इन सब में ना बैन भी शामिल है तो वो उसको जल्दी से जाके मतलब दूर कर देता है लियो को बैन से एंड लियो को मारने लगता है। तभी जो बैन होता है वो जियो को रोकता है, जिम को रोकता है, बोलता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो एंड प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। बट जो जिम होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बोलता है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने का क्या मौका दूँ, जो कुछ भी है मेरे सामने है, तुम मतलब उसके साथ में बिल्कुल चिपके हुए। डू यू इवन रियलाइज मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी खत्म मतलब पूरी ज़िंदगी एक तरह से तबाह कर लिया, मैंने लाइव कॉन्सर्ट में तुम्हें मतलब प्रपोज किया है एंड तुम यहाँ पे ये सब कर रहे हो। तो वो उसको बोलता है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, तुम्हें पता है कि आई डोंट लाइक लियो, बट वो वहाँ पे सुसाइड वगैरह करने वाला था एंड मैं नहीं चाहता था कि वो सुसाइड करे, इस वजह से मैंने उसे यहाँ पे बुलाया था, बट वो ये सब करेगा मुझे इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था। तो वो बोलता है कि देखो मुझे कुछ नहीं पता बट इसे यहाँ से निकालो। तो वो लोग ऐसे ही आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं गुस्से में कि तभी जो लियो होता है वो अंदर ही होता है उसके घर में, उसके लैपटॉप के पास। तो लैपटॉप के पास उसका फ़ोन रखा था बैन का, तो बैन का मॉम का एक मैसेज आता है। तो जैसे ही जो फ्लो होता है जो लियो होता है वो उसके मैसेज को देख लेता है, उसके बैन की मॉम के मैसेज को, एकदम से खुश हो जाता है बंदा और बाहर आके बोलता है कि तुम दोनों चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उसको बोलता है जिम को आके कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो बैन तुम्हारा कभी नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो बैन तो सिर्फ मेरा ही होगा। ये कह के वहाँ से जो लियो होता है वो चला जाता है एंड उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में जहाँ पर हम ओलान को देखते हैं जो अगेन डिलीवरी के लिए आया हुआ था बैन के पास। एंड जैसे ही बैन के पास वो आता है तो जब हमें पता है कि जो जिम था उसने मतलब लाइव सेशन के दौरान ही पूरे फिलीपींस को बता दिया था कि दैट ही लव्स बैन, तो उसको भी पता चल जाता है ओलान को एंड वो बोलता है कि तुमने मुझे ऐसे डायरेक्टली नहीं बताया, बट उस दिन भी तुमने मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं बताया था कि तुम जिम से प्यार करते हो एंड मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तो बोलता है कि देखो बैन बोलता है कि मुझे तुम्हारे मतलब हर्ट करने का कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी बट जो कुछ भी हुआ वो थोड़ा जल्दबाजी में हुआ एंड उसके लिए आई एम सॉरी, वो उसको सॉरी बोलता है। तो जो ओलान होता है बोलता है देखो सॉरी बोलने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया एंड रही बात इसकी काम की तो थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी मतलब जो मुश्किल समय था उसमें मेरी मदद की, बट मुझे अब दोबारा उस कंपनी में जॉब मिल गई है तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं अब कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो वो जो बैन होता है वो बोलता है कि ठीक है, ये कह के जो ओलान होता है ना वहाँ से चला जाता है। वो जाता है तभी वहाँ पर जो नानी होती है जिनकी वो आती है वो उसको बताती है कि वो यार वहाँ पे जाओ वरना वो दोनों लड़ लड़ के एक दूसरे को मार ही देंगे। ये सुनते ही जो बैन होता है वो समझ जाता है कि नानी जिम और याना की बात कर रही है, तो वो जाता है जिम के घर के बाहर ही खड़ा हो जाता है, उन दोनों की बातें सुनता है। तो जो याना थी ना वो उसे लड़ रही थी, बोल रही थी तुमने तो मुझे कूल ऑफ करने के लिए बोला था बट ये सब क्या है, मतलब तुमने उसे कल प्रपोज कर दिया मुझे तो पता ही नहीं चला, तुम दोनों मेरी नाक के नीचे ऐसे बोल के ला, आई एम सॉरी बट दैट वॉज सो फनी फॉर मी, बट किसी किसी के लिए नहीं होगा, आई एम सॉरी गाइज बट फॉर मी इट वॉज वो लिटरली ये बोलती है कि मुझे तो पता भी नहीं चला तुम दोनों मेरे नाक के नीचे क्या कर रहे हो। तो ये उसको बोलती है तो जो जिम होता है वो एज यूजुअल कुछ नहीं बोलता क्योंकि गलती उसकी है, तो वो उसको सॉरी बोलता है कि आई एम सो सॉरी बट मैं उसको प्यार करता हूँ। तो जो याना होती है उसको बट उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील भी होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ में। देखो जो भी फीलिंग्स है आपको अगर लग रहा है ना आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते तो आपको क्लियरली बता देना चाहिए कि नहीं हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते, नाउ वी शुड लेट्स ब्रेक अप।
सो दैट उसको ज़्यादा हर्ट फील ना हो. बट जो याना के साथ में हुआ था, दैट वॉज रियली वेरी सैड. ऐसा नहीं करना चाहिए. और वो गुस्से में जो याना होती है ना, घर से बाहर आ जाती है, एंड घर के बाहर जैसी आती है वो देखती है कि बैन भी यहाँ पे खड़ा हुआ है. वो थोड़ी देर बैन को घूरती है एंड उसको कुछ बोलती नहीं है और वहाँ से चली जाती है. एंड जैसे ही वो चली जाती है, उसके बाद में हम बैन और जिम की कन्वर्सेशन देखते हैं. तो जो जिम होता है वो बैन को बोलता है, देखा मैंने मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए ख़त्म कर दी है. तुमने ही बोला था ना कि मतलब पहले तुम उसको याना को बताओ, तब तुम किसी और को बताओगे. अब मेरी मतलब पूरी लाइफ एक पॉइंट पर आके ख़त्म हो गई, वो तुम हो, और मुझे पता नहीं अब मेरे साथ आगे क्या होगा. उसके बाद में हम ओलान और याना को देखते हैं. दोनों के बेचारों के दिल टूट गए हैं. अगर पूरी सीरीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा किसी पे दया आई है, वो सिर्फ इन दोनों पे आई है. एंड बहुत ज़्यादा बुरा हुआ दोनों के साथ में. दोनों एक दूसरे को दिलासा देते हैं, बताते हैं उनके साथ में क्या क्या हुआ. एंड जो ओलान होता है वो उसको कन्विंस करता है, उसको अपने साथ में बाइक पे उठा के लेके चला जाता है. उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नाइट में, जहाँ पर हम जो बैन होता है उसको देखते हैं दोबारा से. उसके पास में लियो का दोबारा से कॉल आता है. तो लियो उसको बोलता है कि क्या हुआ, मतलब तुम्हें मुझसे अब करना है ना पैसा, हम दोबारा से रिलेशनशिप में आने वाले हैं ना. तो बैन उसको बोलता है, देखो तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ, ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि दैट आई एम ऑलरेडी इन रिलेशनशिप एंड आई एम हैप्पी. मुझे तुम्हारे साथ में कोई भी अब संबंध या फिर किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना. तो बोलता है कि तुम्हें रहना तो पड़ेगा, शायद तुमने अपनी मॉम का मैसेज नहीं देखा है, तो प्लीज़ पहले अपनी मॉम का जाओ मैसेज देख लो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा. तो ये बात सुन के वो सोचता है कि मेरे मॉम का मैसेज कब आया. तो वो जल्दी से जाके अपने फ़ोन में चेक करता है मॉम का मैसेज. तो उसके मॉम का मैसेज आया था कि तुम प्लीज़ उससे दूर रहो जो जिम है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी जो फैमिली है, पहले एक बार ऑलरेडी उनकी फैमिली की वजह से ऑलरेडी हमारी फैमिली एक बार टूट चुकी है. मैं नहीं चाहती कि दोबारा से ऐसा हो. तो जो एग्जैक्ट हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ कि पास्ट में जो था, जो बैन की फादर थे, वो जिम की मॉम के साथ में उनका अफेयर था, जिस वजह से उन दोनों की जो फैमिली थी ना, उनमें लड़ाइयाँ होती थी. एंड उन दोनों मतलब एक बार उन दोनों को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से शर्म की वजह से जो बैन के फादर थे उन्होंने सुसाइड कर ली थी, और उसकी मॉम भी वहाँ पर मर गई थी. बट जो जिम के फादर थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि पकड़ लिया था, और उसके बाद में वो मर भी गई थी. तो इस वजह की जो प्रॉब्लम थी ना उनकी फैमिली में चल रही थी, और इसी वजह से उसकी मॉम जो था उसको मना कर रही थी कि तुम्हें जिम के साथ में कोई भी किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप नहीं रखना है, वेदर इट इज़ अबाउट फ्रेंडशिप नो नॉट होटल. ये सब पढ़ के तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है. वो बोलता है कि यार शिट, अगर ये सब बात उसको पता चल गई जिम को, तो उससे पता नहीं कैसा लगेगा, वो किस तरह से इसको लेगा. मैं तो चलो समझ भी गया हूँ कि हाँ ये चीज़ अगर ऐसी थी तो इसको नहीं बढ़ाना है, बट पता नहीं वो कैसे इस चीज़ को लेगा. एंड यही सब बातें सोच रहा होता है. एंड इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में, जब वो फ्लो को बुलाता है अपने पास में, अपनी फ्रेंड को, और उसको सब कुछ बताता है जो कुछ भी हुआ है. तो उसकी फ्रेंड जो होती है वो बोलती है, देखो मुझे पता है कि मैं वैसे बहुत ज़्यादा बकबक करती हूँ, बट ये जो सिचुएशन तुमने मुझे बताई है इसमें मैं तुम्हें कोई भी मतलब राय नहीं दे सकती, एंड मुझे नहीं पता कि क्या करना है. बट हाँ, मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि देखो समय जो होता है ना वो सब कुछ भर देता है. इतना टाइम हो चुका है उस इंसिडेंट को, हो सकता है जो जिम है उसको इतना फ़र्क ना पड़े. तो बोलता है, देखो मुझे भी कुछ नहीं पता. एंड तो जो फ्लो होती है उससे पूछते कि अब तुम क्या करने वाले हो. तो बोलता है कि देखो मुझे भी कुछ नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे है. एंड इसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है नाइट में, जहाँ पर हम जो बैन है ना उसको देखते हैं लियो के साथ में. एंड जैसे ही लियो और बैन एक साथ में होते हैं, तो जिम उनको देख लेता है अपनी खिड़की से. एंड उनको उन दोनों को देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो कुछ भी नहीं बोलता. एंड दोबारा से नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, एंड हम उसको जिम और बैन को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जो जिम था ना वो अपना जितना भी सामान था ना उसको पैक करके रखा हुआ था. एंड उसको बोलता है कि मेरे फादर का कॉल आया था, एंड वो मुझे बोलते हैं कि मुझे वापस से वहाँ पे जाना होगा, वहाँ पे जितना भी कारोबार है ना वो सब संभालना होगा. जो बैन था वो अपनी मॉम की कही हुई बात से बहुत ज़्यादा अपसेट था, उसको डर लग रहा था कि कहीं ये छोड़ के मतलब इसको अगर पता चल गया ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा. और जो उसने प्रपोज़ किया था ना जिम ने ऑनलाइन सबको लाइव स्ट्रीम में, ये बात उसके फादर को भी पता चल गई थी. तो उसके फादर उसको मना करते कि तुम्हें उस बंदे के साथ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना है. तो वो उससे पूछता है कि तू सच सच बताओ, तुम्हें भी यही लगता है कि मतलब मैं तुम्हारे साथ में अगर रिलेशनशिप रखूँगा तो ये गलत होगा. तो जो बैन होता है ना वो अपने दिल पर पत्थर रख के उसको बोलता है कि हाँ मुझे मतलब हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए, यही सही होगा. एंड बाकी जो कुछ भी अगर आगे होता है या फिर होगा वो बात की बाद में देखिए, लेकिन अभी हमें कुछ भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए.
तो जो जिम होता है वो उसके सामने बहुत ज़्यादा गिर जाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि देखो अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बट मुझे प्लीज़ ऐसे अकेला मत छोड़ो। बट जो बैन था वो मजबूर था, वो कुछ भी नहीं करता है एंड उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं रोता। तभी पीछे से उसकी जो नानी होती है वो आ जाती है, बोलती है कि बेटा एयरपोर्ट के लिए गाड़ी आ चुकी है। तो जो जिम होता है वो अपना सारा सामान उठा के वहाँ से चला जाता है एंड जाते समय वो कार में बहुत रोता है। जितनी भी उसके साथ में मेमोरीज थी बैन के साथ में, वो सारी मेमोरीज याद करता है। यहाँ पे जो बैन था वो भी बहुत ज़्यादा रोता है, इतना कि मतलब उसके आँख से आंसू आने लगते हैं एंड वो भी बहुत, जितने भी उसके साथ में उसने पल बिताए थे वो भी अपने सारे पल याद करता है एंड दैट सीन वॉज रियली ब्रोक माई हार्ट। मुझे बहुत बुरा लगा था इस टाइम पे, मतलब यार प्यार करने वाले हमेशा, जो शुरुआत में इसने एपिसोड में लाइन बोली थी ना 6th एपिसोड के, वो बिल्कुल सही बोली थी कि हमें पता है कि हमें प्यार में एक ना एक दिन दर्द मिलेगा, उसके बाद भी हम प्यार करते हैं। तो एनी हाउ उसके बाद में हमें सीन दिखाया जाता है 2 वीक के बाद का, जहाँ पर हम फ्लो और जो बैन होते हैं उसको दोनों को एक साथ में देखते हैं एंड जो बैन होता है ना वो अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहा होता है उस समय कि मैंने जो जिम के साथ में किया ना आई थिंक सही नहीं किया, मुझे उसको जो भी था ना सच सच बता देना चाहिए था एंड उसके बाद में जो कुछ भी होता है ना वो हम देख लेते। तो उसकी दोस्त बोलती है फ्लो के देखो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर तुम सही करना चाहो तो कर सकते हो ऑनलाइन। तो बोलता है कि देखो मुझे तो अभी पता भी नहीं है कि वो है कहाँ, तो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन तो देखो ऑनलाइन, उसने भी तुम्हें ऑनलाइन प्रपोज़ किया था, तुम अगर चाहो तो तुम उसे भी ऑनलाइन प्रपोज़ कर सकते हो, उसे सच बता सकते हो। तो वो ऐसा ही करता है, बैन ऑनलाइन जाता है एंड लाइव सेशन के दौरान उसको सारी बातें बता देता है। तो बताता है कि मैंने भी मतलब ओलान और जो याना है उनको अपने बारे में बता दिया कि मैं भी तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ एंड उसके बाद में वो अपनी मॉम होता है उसकी मॉम को भी समझाता है कि मॉम देखो जो पहले हो चुका है वैसा अब आगे नहीं होगा एंड आप प्लीज़ हमें एक मौका दीजिए। तो उसके बाद में फिर वो फ्लो को समझा, जो लियो होता है उसको भी समझाता है कि देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अगर तुम मुझे फोर्सफुली कैसे भी करके कन्विंस कर भी लोगे ना तब भी मतलब मैं तुम्हारा नहीं हो पाऊँगा दिल से। एंड वो उसकी मॉम को कॉल करता है लियो की एंड उसकी लियो की मॉम जो होती है ना वो उसको समझाती है कि देखो हम ऐसे किसी को फोर्सफुली प्यार के लिए मतलब फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो जो कुछ भी है वो मतलब अगर वो तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है, तुम्हें उसने मरने से बचाया तो तुम्हें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जो लियो होता है वो अपनी मॉम की बात और जो बैन है उसकी बात को सुन के मान जाता है, बोलता है ठीक है मैं मतलब तुम्हें ज़्यादा और परेशान नहीं करूँगा एंड जो अपनी फैमिली का ट्रूथ होता है वो भी बता देता है उसको कि हमारी फैमिलियों के बीच में जो भी लास्ट क्या हुआ था वो सब बता देता है। बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं करोगे ये सच सुनने के बाद, बट वो लाइव सेशन में मतलब जाके ऑनलाइन जाके उसको सारी बातें बता देता है। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है वापस से बैन की तरफ, जहाँ पर हम बैन को देखते हैं जो सो रहा था कि तभी उसके ड्रीम में वो एक सपना देखता है। ठीक है, सपने में एज यूजुअल वो अपने केक बेच रहा था, जैसे वो केक वगैरह बेचता है उसके पास में जो जिम होता है उसका कॉल आता है, तो जिम उसको बोलता है कि नीचे आने के लिए, वो नीचे आ चुका है। तो वो जैसे उससे नीचे मिलने के लिए जाता है वो दोनों एक दूसरे को पहले बहुत प्यार से देखते हैं एंड उनके बीच में एक दीवार टाइप की थी, ग्रिल टाइप की थी, एक दूसरे के पास में आते हैं एंड एक दूसरे को किस करते हैं एंड किस करने के साथ ही हमारा जो जो एपिसोड 7 और हमारा जो सीज़न 1 है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये सीज़न यहाँ पर ख़त्म हुआ है, इसका सीज़न 2 भी है एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सीज़न 2 को भी एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी जो स्टोरी है वो आधी यहीं पर ख़त्म हो गई क्योंकि सपने में एक दूसरे को किस किया इन लोगों ने। अभी हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, जो उसका मैसेज देखने के बाद जो जिम है वो उसको एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कैसे करेगा, क्या कंडीशंस होने वाली हैं उनकी लाइफ में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो सब अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सीज़न 2। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीज़न 2 एक्सप्लेन करूं तो किस चीज़ का वेट करें आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर मुझे इस वीडियो पे 1K लाइक्स मिल जाते तो आई विल डेफिनेटली यू नो डेफिनेटली गो एंड एक्सप्लेन सीज़न 2। तो चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड, फिर किसी अच्छी सी BL सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर गाइज एंड और क्या बोलूँ, चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।